एक नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में सरकार गठन की अटकलों के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार से प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात की है। पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि शिवसेना के साथ सरकार बनाने से अच्छा है कि वो विपक्ष में बैठे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। योगी दीपावली के मौके पर मुलायम सिंह यादव को बधाई देने पहुंचे थे। इस दौरान शिवपाल यादव भी मौजूद थे। कश्मीर के कुलगाम में पश्चिम बंगाल के 5 मजदूरों की हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। पीएमसी ग्राहकों ने आज मुंबई के आजाद मैदान में बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। ग्राहकों ने आरबीआई से वार्ता विफल होने पर नाराजगी जताते हुए आरबीआई गेट फेल सून के नारे लगाए। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर जीआईडीसी क्षेत्र में आज एक कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया।